में एक बार फिर से तनाव हो सकता है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी पुलिस के कड़े पहरे को चकमा देते हुए कार्ड पहुंच गए हैं। मेरठ से विधायक सुरेश राणा भी कांट पहुंच रहे हैं। बीजेपी के कई सांसद और विधायक कांट की ओर कूच कर रहे हैं। बीजेपी दरअसल एसएसपी धनवीर सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना चाहती है। इस विवाद में वैसे कांग्रेस भी कूदी हुई है। कांग्रेस आज शांति मार्च वहां पर निकालने वाली है। इसके अलावा आज विश्व हिंदू परिषद का जलाभिषेक है। इस सबको देखते हुए प्रशासन ने इस इलाके में धारा 144 लगा दी है। लाउडस्पीकर का ये पूरा मामला है, लाउडस्पीकर हटाने को लेकर ये पूरा मामला शुरू हुआ। बीजेपी चाहती है कि जो वहां पर एसएसपी धर्मवीर सिंह हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, और इसीलिए बीजेपी के तमाम सांसद और विधायक कांट की ओर कूच कर रहे हैं। यूपी बीजेपी अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी पुलिस के कड़े पहरे को चकमा देते हुए कांट पहुंच भी गए हैं। बीजेपी अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो कि यूपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ किया कि पार्टी के कार्यक्रम में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। अगर हमारे साथ कोई जाती हुई है वो थाने पर हम एफआईआर कराना चाहते हैं, तो उससे यदि कानून व्यवस्था को खतरा पैदा हो रहा है तो ये तर्क प्रशासन का कमजोर तर्क है और कुतर्क है। क्यों बिगड़ेगा माहौल? जबरदस्ती मीडिया बिगाड़ेगा, पुलिस बिगाड़ेगी, प्रशासन बिगाड़ेगा, कांग्रेस बिगाड़ेगी, भाजपा बिगाड़ेगी। अरे हम एफआईआर कराने जाना चाहते हैं, कोई माहौल बिगड़ने का सवाल नहीं। माहौल के प्रति हमारी भी जिम्मेदारी है। 25 लोगों को जाने देने में प्रशासन को आपत्ति क्यों है ये तो बता दें हमें। घोषित कार्यक्रम है, पॉलिटिकल पार्टी है हमारी, अगर हमारे साथ जाती हुई है तो हम उसको कहीं कहेंगे नहीं जाकर। हम संवैधानिक तरीके से थाने पर जा रहे हैं, जबरा मारे या रोने न दे, ये तो नहीं चल सकता लोकतंत्र में। तो आपने लक्ष्मीकांत वाजपेयी को सुना, और इस वक्त खबर यह भी है कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी कांट पहुंच भी गए हैं। विपिन चौबे ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विपिन, लक्ष्मीकांत वाजपेयी पहुंच गए हैं, सुरेश राणा पहुंचने वाले हैं, इसके अलावा कांग्रेसी वहां पर पहुंचने वाले हैं, विश्व हिंदू परिषद जलाभिषेक करने वाला है, सबको देखते हुए सुरक्षा के क्या इंतजाम कांट में किए गए हैं? देखिए, मुरादाबाद से लेकर कांट तक हर चप्पे चप्पे पे पुलिस को तैनात किया गया है। हाईवे के अलावा जितने भी शहर की पगडंडियां हैं, गांव की पगडंडियां हैं, चक्रोड्स हैं, वहां पर पुलिस को तैनात किया गया था कि किसी भी तरह से, क्योंकि कांट में धारा 144 लगाई गई है और वहां किसी भी तरह से बीजेपी के नेताओं को दाखिल करने से रोका जा सके, प्रशासन की पूरी कोशिश ये थी। लेकिन कल रात से ही बीजेपी के नेता छुपते छुपाते वहां पर पहुंच गए थे। दो विधायक सुरेश राणा और लोकेंद्र चौहान ये रात में ही वहां पहुंच गए थे, और आज सुबह मेरठ में जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का घर है वहां भी पुलिस को तैनात किया गया था ताकि वो घर से ना निकल पाए। लेकिन लक्ष्मीकांत वाजपेयी चकमा देते हुए पहले मुरादाबाद पहुंचे, और हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है हमारे सूत्रों के हवाले से कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी कांट पहुंच चुके हैं। अब कार्यक्रम यह है कि जितने भी बीजेपी के नेता वहां पर पहुंचे हुए हैं वो अपने समर्थकों के साथ थाने पर जाएंगे, वहां पर एक एफआईआर देंगे। जो तत्कालीन एसएसपी हैं, जिस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ बदसलूकी की गई, उनको मारा पीटा गया, और गांव में जो मंदिर से लाउडस्पीकर हटाया गया, इन तमाम चीजों को लेकर एक एफआईआर रिसीव कराएंगे और उसके बाद वहां से प्रदर्शन करते हुए वापस आ जाएंगे। लेकिन पुलिस जानती है कि अगर बीजेपी के नेता कांट में इकट्ठा होते हैं तो वहां पर शांति व्यवस्था बहाल नहीं हो सकती है। बिल्कुल, शांति व्यवस्था पर एक सवाल खड़ा हो सकता है। इसीलिए विपिन, बड़ा सवाल यह है कि प्रशासन की ओर से क्या इंतजाम किए गए हैं इन सबसे निपटने के लिए? देखिए, प्रशासन ने यूपी पुलिस के फोर्सेस को तैनात किया गया है, पीएसी के जवान, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान, इसके अलावा सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी तैनाती करवाई गई है, और हर रोड पे सीसीटीवी फुटेज लगाया गया था मॉनिटर करने के लिए कि कौन सा नेता किस तबाह में कहां पर कैसे जाता है। लेकिन तमाम जो सुरक्षा इंतजाम है धत्ता बताते हुए उसको बीजेपी के तमाम नेता पहुंच चुके हैं, और पुलिस की जितनी भी कोशिश थी वो धरी की धरी रह गई है। बिल्कुल, वैसे हम तस्वीरें, जो ताजा तस्वीरें कांट से इस वक्त सामने आ रही हैं वो भी देख रहे हैं। मुरादाबाद के नजदीक है कांट, जहां पर आज बीजेपी के तमाम सांसद और विधायक पहुंचने वाले हैं। खबर है कि यूपी बीजेपी अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी वहां पहुंच भी गए हैं। प्रशासन ने वहां पर पुख्ता इंतजाम किए हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि वहां पर सीसीटीवी कैमरे हर जगह लगाए गए हैं, साथ ही अतिरिक्त पुलिस की तैनाती वहां पर की गई है, जो कि इन तस्वीरों में हम देख रहे हैं। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि तनाव की जो स्थिति है वो वहां पर ना बन पाए, क्योंकि बीजेपी